आ देखना बेटा भार है हाँ ठीक है शुरू कर रहा हूं बेटा नमस्कार तमाम देशवासियों यदुवंश के नौजवानों और सरदारों देवियों और सज्जनों सबसे पहले आज इस ऐतिहासिक आज तारीख 18 नवंबर को अपने पुरखों के वेजांगला के रणखेतों में सौर्य और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं और रेजांगला अहीर शौर्य दिवस पर आपका अभिनंदन करता हूं एक तरह से दिवाली का ये जो पर्व धनतेरस से शुरू हुआ था यदुवंशियों के लिए आज उसका ये समापन है रेजांगला पर्व के रूप में सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आज भी अपने घरों में दीप प्रज्वलित करके अपने पुरखों को श्रद्धांजलि दीजिए जिनकी सूरवीरता और बलिदान की वजह से कौम यदुवंश का नाम आज सैन्य इतिहास में स्वर्णि अक्षरों में लिखा गया था आज का दिन एक तरह से कई रूप में एक नया आगाज भी है सबसे पहले तो आज यदुवंश के चारों कोणों में इस हिंद के चारों कोणों में चारों दिशाओं में उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूर्व से लेकर पश्चिम तक होली दिवाली के तरह रेजांगला शौर्य दिवस को मनाया गया आप देखिए हमारी पलटन जो जम्मू में है वहां हमारे अहीर सरदार जो वर्तमान में वहां सेवा दे रहे हैं और रिटायर हैं उन्होंने बड़े जोर शोर से मनाया दूसरा अहिरवाल की राजधानी रेवाड़ी में जो हमारा रेजांगला स्मारक है वहां पे हर साल की तरह बड़े बड़े हमारे फौजी सरदार साहेबान पधारे एक्स सर्विसमैन नौजवान बच्चे मातृशक्ति वहां आई और हमारे पुरखों के शौर्य को नमन किया अहिरगढ़ कोसली गोद बड़ा गुड़गावा राजस्थान के श्रीनगर क्षेत्र में श्रीनगर खेड़ा गढ़ कोसली बिहार प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात और भी ऐसी कई जगह पर यदुवंश की सरदारी ने अपने पुरखों के शौर्य को नमन किया और आज आपको मैं एक और चीज बताऊंगा कि रेजांगला के अमर योद्धा बड़सी गुजरान के अमर शहीद शही राम जी के पैतृक गांव में भी आज स्कूल के अंदर जिस स्कूल का नामकरण शहीद सहीराम राम जी के नाम से हुआ है उसमें पहली बार हमारे सरदारों ने स्कूली बच्चों के साथ में रेजांगला के पर्व को मनाया रेजिमेंट के थक योद्धा कृष्ण सिंह जी राव जी लीला हेडी अध्यक्ष हमारे एल राव साहब राव राजेंद्र सिंह जी मिलकपुर जो शिक्षाविद हैं डीपी यादव साहब जेपी यादव साहब और समस्त राव वीर सिंह जी हमारे उपाध्यक्ष इन सब ने वहां एक नया आगाज किया और इस खुशी के पर्व पर भामाशाह दानवीर मास्टर राव राजेंद्र सिंह जी ने घोषणा की कि शहीद की प्रतिमा कि लगवाने की जिम्मेवारी वो ले रहे हैं यह बड़ी खुशी की बात है एक वो भी दौर था जब रेजांगला न गीतों में गाया जा रहा था न गमों में रोया जा रहा था पर कुछ जानीसार स्वर्गीय कैप्टन बलवंत सिंह जी कैप्टन निरंजन सिंह जी इन फौजी जंगी सरदारों की बदौलत कर्नल राम सिंह जी ने रेजांगला स्मारक रेवाड़ी में इस परंपरा का आगाज किया कि हर साल अपने पुरखों के बलिदान को नमन करते थे और एक हमारी पलटन में रेजांगला सौर्य दिवस मनाया जाता था लेकिन अब इतनी खुशी की बात है कि हिंद के चारों दिशाओं में चारों कोनों में हर जगह हमारे भाई बंधु इस पर्व को बड़े जोर शोर से मना रहे हैं और एक मेले का रूप ये लेता जा रहा है आज एक और भी अच्छी चीज हुई सोशल मीडिया पर ट्विटर के जरिए हमारे नए बच्चों ने नौजवान बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ रेजांगला शौर्य दिवस को बलिदान दिवस को जन जन तक गुंजा दिया ये एक अनोखा अनु, अनोखा अनोखा प्रयास था हमारी तरुणाई द्वारा कहते हैं ना जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है तो नए सिर्फ सोशल मीडिया ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप बल्कि फिजिकल रूप में भी जगह जगह हमारे पुरखों के दिए गए देश के ऊपर बलिदान को इतने व्यापक रूप में आप सब ने मनाया आप सबको साधुवाद धन्यवाद जो कौम अपने बड़ों को भूल जाती है अपने सूरवीरों और भामाशाओं के बलिदान त्याग तपस्या को भूल जाती है वो कौम विलुप्त हो जाती है लेकिन जो खून हिमालय की पहाड़ियों पर मेरे पुरखों ने 18 नवंबर उन्नीस को भाया था आज स्वर्ग में वीर आसन पे विराजमान उनकी आत्माएं ये जरूर देख के प्रसन्न होती होंगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियां उनके सर्वोच्च बलिदान और शौर्य को भूली नहीं है बल्कि दुनिया के हर कोने में इसको गुंजयमान किया है शहादत सो रही थी ओढ़कर गुमनाम सी चादर जूझ रेजांगला में इसे जा जगाया वीर अहिरो ने उन्नीस हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर हमारे कुटिल पड़ोसी ने हमारे सर के ताज लद्दाख कश्मीर के अंदर आक्रमण किया नेफा में आक्रमण किया तो हिंद की सीमाओं के प्रहरी हमारे समस्त फौजी बैरी का मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए नेफा के अंदर चीनी सब कुछ रोनते हुए टिड्डी दल की तरह घुसाए। तेजपुर आसाम तक कहते हैं कि घुस आए थे मोर्चे तहस नहस हो रहे थे उधर धन सिंह की टुकड़ी का मोर्चा टूट गया था तो आजाद भारत में खड़ी गई पहली विशुद्ध इन्फेंट्री की बटालियन अहिर बटालियन थर्टीन कुमाओं द रेजांगला वॉरियर्स उन्होंने चुसुल हवाई पट्टी को बचाने के लिए रेजांगला में मोर्चा जमाया कुछ दिन पहले उन्होंने दिवाली का पर्व मनाया था इन्हीं पहाड़ियों पे अपनों से दूर और उनको यह एहसास नहीं था कि ये शायद उनकी अंतिम दिवाली थी और दिवाली बासठ की बड़ी अनोखी मनी फिर थर्टींथ बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट वीर ही उनकी चार्ली कंपनी जो आज की तारीख में रेजांगला कंपनी बोली जाती है वो रेजांगला की पहाड़ियों पे जमी हुई थी लेकिन एक बड़ी खामी थी वो ऐसी स्थिति में थे जहां आरटी का सपोर्ट नहीं था और युद्ध के जानकार जानते हैं अगर आपके पास में आरटी का सपोर्ट नहीं हो तो का सपोर्ट नहीं हो तो ये एक तरह से हरा हराकिरी की, होती है लेकिन पलटन जमी रही उनके सीओ कर्नल धेंगड़ा साहब आए बोला आगे की टुकड़ियां तबाह हो गई हैं तो दादा सूरज भान सिंह वीर सुरजा सीनियर जे थे उन्होंने कहा आही न टूटेंगे न हटेंगे लेकिन कट के गिर सकते हैं और ये जो शायद कर्नल धींगड़ा साहब का ऐसा लग रहा था जोश में बोल रहे हैं नहीं उनकी आत्मा में ये रचा हुआ था सीनियर जे सू साहिबान दादा सुरजा दादा हरि राम जी दादा रामचंद्र सिंह जी इन सब ने अपनी अपनी टुकड़ियां जमा ली मेजाज सैतान सिंह कंपनी कमांडर जब ये तबाही का आलम चल रहा था मोर्चों पे, तो आदेश आया कि भाई आप पीछे हट सकते हो मेजर शैतान सिंह जी ने तमाम पलटन के सीनियर साहिबान को बुलाया बोला भाई आदेश यह आया है अब इस बात पे गौर कीजिए कि वहां क्या खड़ा था सबको मालूम था कि वापसी नहीं होगी मृत्यु निश्चित है गोला बारूद कम था आरटी का सपोर्ट नहीं था चीनियों की पूरी एक ब्रिगेड डिवीजन कहते हैं कि वहां पे खड़े थी तो सीनियर जेसीओ साहिबान को जब यह बताया गया पीछे से हटने का आदेश आ चुका है कि अगर चाहो तो आप मोर्चे पीछे हट जाओ तो सीनियर जेसीओ ने बोला सर साहब एक बार साथियों से भी पूछ लें। तो आपको ताजु होगा सीनियर जे सीओ साहेबान ने अपने जवानों को इकट्ठा किया बोले भाई आदेश पीछे हटने का आ गया है अगर आप चाहो तो हट सकते हो एक भी आदमी ये नहीं बोला कि पीछे हटेंगे सबको मालूम था इन्फेंट्री की पहली विशुद्ध टुकड़ी खड़ी हुई है और इससे ज्यादा सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा कि इकसठ में प्योर बटालियन बनी और बासठ में युद्ध के मोर्चे पे डट गई और अब नाम नमक निशान और कौम की पहचान को जिंदा रखने का मुद्दा था लेकिन कीमत भारी थी शीश कटवाने थे तो सबने कहा नहीं अगर आज पीछे हट गए तो कौम के नाम पे बट्टा लग जाएगा तो दादा सरजा बोला कि भाई वापसी नहीं है विजय या वीर गति है बोला बिल्कुल तय कर लिया हम यहीं जटेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे तो सातोर के जो जे सू थे राव हरि राम जी उन्होंने कहा भाई सुन लो फिर अगर फैसला विजय या वीर गति है तो एक भी जवान अगर पीछे हटा या हटने की सोची तो उसको गोली मैं मारूंगा और हम में से अगर कोई पीछे हटे तो तुम उसको गोली मार देना और जय कारा गुंजा दादा कृष्ण की जय दादा कृष्ण की जय दादा कृष्ण की जय मेजर सैतान सिंह को फैसला बता दिया कि वीर आईर पीछे नहीं हटेंगे मोर्चा जम गया आप स्थिति का अंदाजा लगाइए टिड्डी दल की तरह चीनी आला एमशन गोला बारूद तोपे मशीन गने और इधर हमारे जवानों के पास में लिमिटेड एमिशन थ्री थ्री की बंदूक आरटी का सपोर्ट नहीं और 124 सौ रन बांकरे कई तो 18, 19, 20 साल के नौजवान बच्चे जिनके डाडी मूछ भी रोए भी नहीं आए थे लेकिन सबको प्यारा था नाम और फिर मोर्चा जमा तो ऐसा जमा कि जिसके गीत आज भी गाए जा रहे हैं और सदियों तक जब तक मानवता जिंदा है सभ्यता जिंदा है हिंद जिंदा है तब तक गीत गाते जाएंगे करीब चार साढ़े चार बजे हमारे आगे जो टुकड़ी मौजूद थी दुश्मन पे निगाह लगाई थी उन्होंने देखा अंधेरे के अंदर चीनी बैरी टिड्डी और समय नहीं था अपने साथियों को बताने का कि भाई ये चढ़ रहे हैं, तो उस टुकड़ी ने फायर मारे जबरदस्त ताकि सब जाए और फायर का आवाज आते ही सारे अपने मोर्चे पे मुस्तैद हो गए पहला हमला दादा सूरज भान की टुकड़ी पे हुआ और उसको तोड़ दिया आपको ताजुब होगा सात हमले किए चीनियों ने और सातों तोड़ दिए लेकिन अंतिम जो हमला हुआ तो वही विजय या वीरगति को स्वीकार करके मोर्चा तबाह हो गया पहला हमला दादा सूरज भान पे किया तोड़ दिया दूसरा किया तीसरा किया तोड़ दिया फिर अपनी एमएमजी लाए चीनी और इतनी जबरदस्त गोलीबारी करी कि हमारे मोर्चों पे जगह, जगह जगह गोले पे गोले आ रहे थे जो दूर टुकड़ियां थी वो कह रही थी आसमान में ऐसे लग रहा था कि दिवाली आज फिर से मनाई जा रही है तो दादा सुरजा ने कहा अगर ये एमएमजी ऐसी ही चलती रही तो हम में से कोई नहीं बचेगा लड़ने के लिए अब आप कहानी सुनिए साढ़े छह फिट का महाबली धवाणा का राव सिंह राम सिंह पहलवान आला दर्जे का उसने कहा दादा सूरज भान को कि मैं इसको तोड़ूंगा एमएमजी को। कोई मेरे साथ आ जाए तो ठिकाना मने ठीके राव गुलाब सिंह जी जो ये सगे जीजा साला थे वो बोले मैं चलूंगा और सबको मालूम था कि मृत्यु निश्चित हो गई है बिंदो की तो अब देखिए सगे जीजा साला एक साथ मरने के लिए तैयार सिर्फ इसलिए कि मोर्चे को बचाना है और ये काफी दूर तक रेंगते रेंगते छिपते हुए पहुंचे और जब करीब 100 गज की दूरी रहेगी 100 सो दो सौ गज की और उन्होंने देखा कि अब आगे बढ़ना नहीं अब तो दुश्मन साफ देखेगा ही तो ये दोनों वीर एकदम उठे और दूर से दादा सूरज भान और इनकी टुकड़ी ने देखा कि आवाज आई दादा कृष्ण की जय और हिप के ऊपर से फायर करते हुए भागे उस एम जी की तरफ दौड़े सबसे पहले गुलाब सिंह जी कुछ मीटर की दूरी पे गिर गए पूरी मशीन गन ने छलनी कर दिया और मशीन गन के ऊपर खून से लथपथ छलनी फिर सिंह राम सिंह गिर गए चीनी बैरी हक्का बक्का रहगा कि हो क्या गया कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है कि अपने को एमएमजी पे डाल दे और दादा सूरज ने देखा कि एमएम जी तो ध्वस्त कर दी पर दोनों सिंह जो है चले गए और फिर तो जो मुकाबला आगे बढ़ा चिन्नी आए उनके हमले हम तोड़े आप देखिए सबसे पहले दादा सूरज भान की पलटन पूरी तगबा हुई और जब अंतिम यह लगार उन्होंने करी तो शैतान सिंह जी को पीछे मैसेज भेजा आदमी कम रह गए गोला बारूद है नहीं लेकिन पीछे आज भी नहीं हटेंगे किसी कीमत पे नहीं और मैं अपने भाइयों के साथ अंतिम यलगार के लिए खंडक से बाहर निकल रहा हूं इतना कह के मैं से छोड़ के और दादा सूरज भान अपने वीर हीरो को लेकर दुश्मन पे गुत्थम गुत्थम ऐसा पहले तो बट से मारा बट टूट गए घूसों से भाठो से उनकी टांगे पकड़ पकड़ के मारा पत्थरों पे खोपड़ियां साढ़े छह फिट के अहिर जवान और कहा ये पिगमी चीनी और जब ये हाहाकार मच गया तो एक चीनी कमांडर देख रहा था बोला भाई इस आदमी को काबू में करो दादा सूरज भालू, दादा सूरजा काबू में नहीं आ रहा था तो उन्होंने मशीन गन का बस्त मारा तब जाके दादा सूरजा रणभूमि में गिर गए गोलियों से छलनी वीरभूमि अरवाल का ये सूरमा सिंह सूरमा इंद्र सभा में वीरों के आसन पे विराजमान हो गया उनकी पूरी प्लाटून वीरगति को प्राप्त हुई मेजर सतान सिंह ने देखा ये मोर्चा टूट गया फिर दादा हरी राम इतने मर्दानगी से जिन्होंने कहा था कि अगर कोई पीछे हटेगा तो गोली मार दूंगा उन्होंने भी मर्दानगी की तमाम बुलंदियों को छूते हुए ऐसा घमासान घाला जब उनका शरीर रणखेतों में मिला तो उनके सर पे पट्टी बंधी हुई थी और सामने करीब 40 गोलियां उनके सीने पे लगी हुई थी उनका मोर्चा भी टूट गया कप्तान रामचंद्र सिंह साहब राम साहब उनको पीछे हटने का मौका मिला लेकिन वो हटे नहीं अंतिम दंत उनको तो कहते हैं कि क्यों वो वहां से हटे नहीं उन्होंने देखा मेरे भाई कटकर गिर रहे हैं उनके पास मौका था लेकिन नहीं हटे राम कुमार साहब उनका अभी भी वो रॉकेट लॉन्चर से धमाधम दम गोली गोले, गोले फेंक रहे थे और आपको ताज्जुब होगा जब चारों तरफ तबाही मच गई और सारे एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो रहे थे और हजार में से नौ सौ छियानवे गोले राम राम कुमार साहब पाली गोठड़ा वाले ढाग चुके थे और उन देखा बैरी चढ़ आया है और बिल्कुल 90 डिग्री पे भी फायर करते करते आ रहे तो उन्होंने अपने दोनों साथियों को बोला एक सूरत सिंह साहब थे कि भाई अब आप पीछे चले जाओ तो बोला साहब नहीं साथ लड़े हैं साथ जिए और साथ मरेंगे और थोड़ी देर बाद गोल वो भी छिलनी हो गए राम कुमार साहब जब सब कुछ खत्म हो गया तो राइफल में बैनेट लगाकर जैसे चीनियों ने हथगोड़े मारे जो भी चीनी आया उसको मारते गए और लास्ट में हथगोड़ा फेंक के चीनियों ने उनको भी बिल्कुल धाराशाही कर दिया और राव रावकुमार जी के गिरते ही मुरेजांगला का मोर्चा टूट गया मेजर सैतान सिंह जिनकी आंतड़ियां मशीन गन की फायर से बाहर निकलाई थी उनको हमारे नौजवान सुरमा निहाल सिंह साहब रामचंद्र सिंह निहाल सिंह साहब चिन्नावास वाले जो अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं रामचंद्र साहब मोहनपुर वाले इन्होंने राइफल के ऊपर उनको बैठाया और नीचे ले जाने लगे तो पता चला कि उनकी तो टांगे सुन हो चुकी थी खून इतना बह गया था उनकी आंतड़ियों से तो उनको एक चट्टान के सहारे लेटा दिया और दुश्मन से मुकाबला करने लगे तो मेजर सैतान सिंह ने कहा कि भाई अब आप अपनी जान बचाओ और पीछे बत जाके बताओ कि पलटन मर्दानगी की मौत मरी है नहीं तो हमारी कहानी बताने वाला कोई है ही नहीं आपको ताजुब होगा हरफूल सिंह साहब वो गुस्से में बोले क्या मुंह ले के पीछे जाएं मेरी बहन को क्या शकल दिखाऊंगा कि भांडजा को वहां मरवा के आ गया गांव में क्या जाएंगे कहेंगे जब भाई रणभूमि में जूझ रहे थे तू पीछे क्यों आया? और उन्होंने मशीन गन उठाई और जूझ गेम से और थोड़ी देर बाद वे विवीर गति को प्राप्त हो गए निहाल सिंह साहब के दोनों हाथ पे गोलियां लग चुकी थी तो मेजर सैतान सिंह ने रामचंद्र साहब को कहा यह आदेश है हम गुमनामी की मौत नहीं मरने चाहिए पीछे जाके पलटन को बताओ कि हीरो ने क्या लिख दिया इस सफेद बर्फ के ऊपर और रामचंद्र साहब उनको लिटा के पीछे की तरफ आए पलटन में खून से लथपथ कोई उन्हें पहचान नहीं रहा नाम बताए लिख के मैं रामचंद्र हूँ जब ये किस्सा बताया जाने लगा किसी ने विश्वास नहीं कहा करा बोला रहा रा तो सुत्य हुए मार दिए हिंद की टुकड़ियां पीछे हटने लगी लेकिन मनुष्य न्याय करता तो क्या हुआ प्रकृति न्याय जरूर करती है फरवरी के महीने में एक लद्दाखी वहा वहां अपनी पशुओं को लेकर चराने आए तो देखा लाशों के ढेर घोड़े बारूद और आदमी ऐसे लग रहे है। जैसे जिंदा और हथियार संभाले फायरिंग पोजीशन में वो नोमैन लैंड थी रेड क्रॉस का उसमें था उन्होंने आके पीछे सेनाओं को बताया फौज को कि भाई वहां तो आपके जवान आज भी लड़ ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़ रहे हैं जनरल रैना तपेश्वर नारायण रैना जिसको काना रैना भी बोलते थे और टुकड़ियों को लेके वहां जब पहुंचे और देखा तो रोने लग गए और उनकी एक आंख जो पत्थर की उस नीचे गिर गई बोला मुझे आज पता चला कि वीर अर क्यों बोलते हैं एक भी ऐसा सैनिक नहीं था जिसकी पीठ में गोली लगी हो सारे फायरिंग पोजीशन में लड़ने की मुद्रा में किसी के हाथ में हथगोड़ा किसी के हाथ में हथियार किसी के टूटा हुआ बट और जो नर्सिंग असिस्टेंट था धर्मपाल निर्धारण के उनके हाथ में सीरिंज क्योंकि वो घायलों के लिए अभी भी, भी सुइया लगा रहे थे उस अवस्था में मिले कैसा पल था वीरभूमि अरवाल के सिंह सूरमा रणखेते में 18 नवंबर से फरवरी तक जमे हुए थे बर्फ ने उनको उसी अवस्था में संभाल के रखा हुआ था शरीर सड़ नहीं पाया था थर्टींथ बटालियन की टुकड़ी वहां पहुंची और अपने भाइयों की मतदानगी को देखा कर्नल रणबीर सिंह जी हैं रेजांगला सूर्य समिति के इनके बड़े भाई करीब पौने सात फीट के ऊंचे हरी सिंह जी उनकी अगुवाई में सारे सूरमाओं को अग्नि दी गई और देखिए कैसा बिरला पल था उनको अग्नि देके और सुबेदार हरी सिंह जी बोले कि अब मैं भी विदा लेता हूं और उन्होंने भी वहां प्राण त्याग दिए यह इतिहास में एक अनूठा किस्सा है देखिए अपने भाइयों को अग्नि दी और फिर उसमें खुद भी समा गए एक तरह से कैसी वीरगाथा। और उनकी जब लाशें देखी तो करीब एक दर्जन ऐसी लाशें थी कि चीनियों ने जो कि बड़े क्रूर माने जाते हैं उन्होंने उन वीरों को कंबल के ऊपर लिटाया कंबल से ढका और उनके सीने पे लिखा ब्रेव बहादुर और सिराने पे संगीन लगाई हुई वीरों को सलामी के अंदाज में ऐसे एक दर्जन थे इतिहास में कभी किसी युद्ध में आपको ऐसा नहीं देखा होगा कि बैरी ने भी अपने दुश्मन की इतना सम्मान दिया वो भी चीनी जैसा क्रूर दुश्मन ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है गीत है एक एक ने दस को मारा नहीं एक, -एक ने सौ को मारा पीकिंग रेडियो जो कि आज की तारीख में बीजिंग है ऑफिशियली उन्होंने कहा कि हमारे तेरह सौ से ज्यादा सैनिक मरे हैं जबकि वो क्लोज सोसाइटी है कम्युनिस्ट है असली आंकड़े वो देते नहीं है तीन हजार से ज्यादा सैनिक चीनी बैरी को मारा था हमारे सुरमाओं ने और दुनिया के सारे जंगी इतिहास में महानतम वीर गाथाओं में शामिल हो गए इनके मुकाबले में चाहे वो थर्मोपल्ली की लड़ाई हो जाओनी दास अपने सपाटन के साथ फारसियों से लड़ा था सारा घड़ी की लड़ाई हो या के ड्रिफ्ट की लड़ाई हो ये किसी मायने में किसी भी युद्ध में कम नहीं थी आप देखिए दुश्मन तादाद में इनसे कई गुना ज्यादा हथियार सबसे ज्यादा उमदा उनके पास में और अर्ध मरुस्थल में पला हुआ भूमि हिरवाल का रण बाकरा हीर जिसमें से ज्यादातर ने तो पहाड़ की बर्फ ही नहीं देखी थी 18,000 फीट की ऊंचाई पे जहां सांस नहीं आती थोड़े से फोड़ते हैं आलू को गर्म कपड़े उनके पास नहीं थे हथियार उमदा उनके पास में नहीं थे उनके पास एक चीज थी कौम का मान सम्मान और एक असाधारण सैन्य परंपरा जो रण रेजांगला के रणखेतों से पहले करनाल की रणभूमि नसीबपुर की रणभूमि में खड़ी हुई थी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और एक और अनोखा इतिहास बताता हूं एक ही खंडक में दो माँ जाए भाई धमाणा के सिंगराम साहब और रामकार साहब सगे जीजा साला, काका भतीजा मामा भाणजा डोरा के तीन साथी एक ही गांव के एक ही कौम एक ही नस्ल जुड्डी के दो दो पाएगा से कई ऐसे गांव थे जहां दो 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 तीन तीन एक ही गांव के शहीद हुए और वीरभूमि अहिरवाल का कोई भी ऐसा ठिकाना नहीं था जिसने किसी न किसी ने अपने किसी रिश्तेदार अपने या भाई बंद को खोया नहीं था कोसली में चिट्ठी एक डाकिया लेके आया तार इनकी वीरगति का रोने लग गया और सरदार और ही सरदार से बोला मेरी हिम्मत नहीं है इन गांव में तार दें मेरी कौम ने हिंद के मान सम्मान के लिए अपने हिस्से का खून अर्पित कर दिया था वो दौर ऐसा था न साधन थे न संसाधन थे लेकिन आज के दौर में गांव-गांव में जहां पे भी जो रेजांगला ग्राम है अपने अपने सुरमाओं की पुरखों की याद में प्रतिमा बना रहे हैं उनको नमन कर रहे हैं याद कर रहे हैं श्रद्धांजलि दे रहे हैं कई दशकों पहले तक रेजांगला जरूर गुमनाम था लेकिन हमारी नई नस्ल ने रेजांगला की कहानी को घर घर तक पहुंचा दिया है पहला रेजांगला स्मारक अहिरवाल में नेताजी रघु जी ने उस जमाने के जबरदस्त समाजवादी नेता चंद्रशेखर को बुला के गोकलगढ़ में बनवाया था फिर हमारे पलटन के जंगी पलटन के साहिबान लोगों ने दिल्ली रोड पे शहीद स्मारक बनवाया और मैं एक विशेष चीज इस पर बताना चाहता हूँ अभी दिल्ली में आईपीएस हैं रविंद्र सिंह जी इनके पिताश्री हुआ करते थे कप्तान किशोरी साहब पाली घोषणा वाले ऐसे जोरावर सरदार थे कि बासठ के युद्ध के बाद अपने सुरमाओं की यादगार में वहां एक अहीर धाम बनाया और देखिए इस कौम के साथ कितना छल किया जाता है जब वह अहीर धाम बना तो उस पर जब अहीर लिखने की बात आई वीर अहीर तो कुछ शरारती तत्वों ने यह कहा नहीं इस पे थर्टींथ कुमाओं लिखो कप्तान किशोर किशोरी साहब जो इतने मर्द के बच्चे थे वो तयश में आ गए और बोले मेरे भाइयों ने यहां अपना खून बहाया है और इस बर्फ पे वीर आही अपने खून से लिखा है मेरी कौम का नाम खून से लिखा जाएगा और अगर कोई वीर आहीर हटाएगा तो यह मंजूर नहीं है उस टाइम माहौल ऐसा हो गया कि सब दुबक गए जितने शरारती तत्व थे और किशोरी साहब ने अपने नौजवानों से साथ मिलके वहां जो चार धामों के बाद हमारा पांचवा धाम अहिर धाम बनाया बनायांगला में और सजा के तौर पे किशोर साहब को डबल फर्स्ट में भेज दिया था और वो तमाशा आज भी चल रहा है हमारे इतिहास हमारे बलिदान हमारी देशभक्ति को कम करके आंका जाता रहा अहीर धाम के ऊपर बहुत अच्छा स्मारक बना है लेकिन हमारे अहीर धाम हमारी असली पहचान को पीछे न धकेला जाए अगर रेजांगला लद्दाख अगर आपके पास में आज है तो उसमें हमारे पुरखों का सबसे अहम योगदान है नहीं तो ये चुसुल की हवाई पट्टी पे चीनी बैठे होते और वीरता वीरताकार बलिदान का सबसे स्वर्णिम अध्याय ऐसे ही लिखा गया वो युद्ध ऐसा था जो विजय या वीर गति के लक्ष्य के ऊपर ही था वापसी नहीं थी क्या तो विजय होगी या वीरगति होगी तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है नए नए कीर्तिमान बनाए गए वो दौर ऐसा था कि बहादुरी के पदकों का नाम आता था तो दिल्ली का तख्त हिल जाता था बोलता हर, हरी फौज को कैसे वो दिया जाए क्योंकि बासठ में तो पिटाई हुई थी लेकिन रिजांगला का मोर्चा नहीं था भाई ऐसा ब्रिगेडियर दलवी तो लिखते हैं कि हिरो ने एक नया इतिहास लिखा उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता और चार पांच घंटे की उस लड़ाई में एक परमवीर चक्र आठ वीर चक्र चार सेना मेडल दो मेंशन इन डिस्पैच एक कीर्तिमान बना जो आजाद हिंदुस्तान में आज भी कायम है किसी भी पलटन ने एक ही युद्ध में इतने वीरता के पदक नहीं मिले जबकि वीरता के पदक बड़ी कंजूसी से दिए गए थे अरे ड्रिफ्ट में जहां गिनती के बीस आदमी भी नहीं शहीद हुए वहां उनको ग्यारह विक्टोरिया क्रॉस मिले सारा घड़ी की लड़ाई में हर योद्धा को आईओं दिया गया उस जमाने का हाइएस्ट जो है मिलिट्री ऑनर और यहां इतनी कंजूसी करी गई मेरा तो यह मानना है कि हमारा हर योद्धा जो रण खेतों में जूझा था वो परमवीर चक्र का अधिकारी था और इसको सुधारा जाए आयरिश फौज में ऐसा हो चुका है जो वो बैटल ऑफ कटंगा में लड़े तो उस टाइम उन पे भी इल्जाम लगाया गया था और कई वर्षों के बाद में उनके सम्मान को बहाल किया गया उनके वो वीरता के पदक दिए गए तो आज भी ऐसा होना चाहिए रेजांगला के वीर शहीदों को अभी तक सच्ची श्रद्धांजलि सही मायने में नहीं, नहीं दी गई है और श्रद्धांजलि के दो ही तरीके हैं उससे कम मंजूर भी नहीं होना चाहिए पूरी टुकड़ी को वीरता के पदक और कंधे पे नाम अहिर इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है आज स्टाफ कॉलेज में भी जितने भी मिलिट्री एकेडमी कहीं मौजूद है दुनिया में उसमें रिजांगला के लास्ट स्टैंड को पढ़ाया जाता है द बेस्ट ब्लड ऑफ फोर्ट फोटेक्ट रिजांगला और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो पटियाला खानदान के हैं और सेना से अधिकारी हैं उन्होंने तो अपनी पुस्तक में लिखा कि कोई भी देश इससे ज्यादा किसी से अपने सैनिकों से उम्मीद नहीं कर सकता और कोई भी फौजी अपने देश के लिए इससे ज्यादा दे नहीं सकता हमारा सीना चौड़ा हो जाता है छाती चौड़ी हो जाती है और मैं तो कहता हूं कि प्रभु अगर अगला जन्म देना है तो यहां वीरभूमि हिरवाल वीर में दो और ऐसा मौका जरूर आए कि हम भी रेजांगला जैसा एक नई गाथा लिखें बिस्तर पे मरने के बजाय रणखेतों में कट के गिरना ज्यादा बेहतर है सन बासठ का अध्याय आज 2023 में भी चल रहा है मेरे पुरखों ने अपने छात्र धर्म को निभाया राज धर्म को निभाया और जो फौज का नमक खाया था उसके बदले में अपने शीश दे दिए आगे भी देते रहेंगे हिंद के सच्चे बेटे हैं देश के ऊपर जब भी कोई चढ़ाई करेगा तो हम हरावल में लड़ेंगे आज ब्रेवेस्ट ऑफ दी ब्रेव पल्टन सूर्य हीरो के तमाम जंगी सरदारों सर्विसमैन साहिबान सबको आपको रिजांगला डे की बधाई देता हूं हमारा सबसे बड़ा त्यौहार रिजांगला है आप लोगों ने देश के वीरभूमि हिरवाल के कौम के नाम को हरदम ऊंचा रखा है और हर युद्ध में अपना बलिदान दिया है चाहे 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 वो वो कारगिल का का हो वो में का हो में मोर्चा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो आज ये एक अनोखी बात है कि चार्ली कंपनी जिसने वहां विजय या वीरगति हासिल करी थी उसको रेज़ांगला कंपनी डिक्लेयर किया हुआ है और ये परंपरा आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी बलिदान और सौर्य की वहां जो हमारे फौजी भाई हैं वो जिंदा रखे हुए हैं आज देश में हर हिस्से में ये इसको मनाया गया सूर्य दिवस को मैं आशा करता हूं कि ये हर कुटुंब कबीले में मनाया जाएगा हर गांव ढाणी देहात में मनाया जाएगा हर मोहल्ले में मनाया जाएगा और सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में कंधे पे नाम अहिर हासिल करके रहेंगे मैं फिर से अपने नौजवानों की टीम को जिन्होंने ट्विटर के ऊपर आज एक बहुत शानदार जो है श्रद्धांजलि दी अपने पुरखों को आप सबके कंट्रीब्यूशन को मैं नमन करता हूँ बहुत और साथी जिनका नाम मैं भूल भूलगाव जी जींद में वो बलवान सिंह साहब हों या और सरदारी जहां अलग कोणों में मौजूद है और हमारे बच्चे जो हमारा यादव छात्रावास जयपुर है उनके बच्चे उनके अभी मेरे को समाचार मिला उन्होंने बनाया ये हमारे संस्कार है ये हमारे संस्कार हैं छात्र धर्म हमारे खून में है वीरता हमारे खून में है देश पे मरने का जज्बा हमारे खून में है और हमारे पुरखों के बलिदान को याद करना उनको जिंदे बनाए रखना इतिहास के पन्नों में ये हमारे संस्कारों में है भाई बड़ी खुशी होती है जब इस वीरता पर्व को इतने बड़े पैमाने पे, पे मनाते हुए देखता हूं तो नहीं तो कोई दौर था कि रेजांगला का नाम बहुत कम लोगों को मौजूद था लेकिन आज पूरे दिन रेजांगला ही छाया रहा सोशल मीडिया पे भी घर घर में भी गांव गांव में भी आप तमाम साहिबान को जिन्होंने अलग अलग रूप में सहयोग दिया आप सबको नमन करता हूं और आपके प्रयासों को के लिए आपको साधुवाद देता हूं रिजांगला ऐसी गाथा है अब जिसपे पुस्तकें भी आ रही हैं छोटे छोटे बायोपिक्स बन रहे हैं गीत बन रहे हैं दिवाली बासठ का हमारा एक आल्हा भी बना है बहुत और विभिन्न भाषाओं में चाहिए वो अवधि हो भोजपुरी हो हरियाणवी हो बुंदेलखंडी हो अब इसको गाना जा जन जन तक पहुँचाना पहुँचाया जा रहा है आप सबके प्रयासों को नमन आशा करता हूँ कि आगे हमारे सारे वीरता प्रभुओं को इसी उत्साह के साथ मनाया जाएगा और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिन बच्चों ने भी सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक इसको पहुँचाया आप सबसे एक गुजारिश और है आने वाले 9 दिसंबर जो हिंद के क्रांति के अट्ठारह की क्रांति के महानायक के अवतरण दिवस है उस पर भी एक ऐसा प्रयास ज़रूर करें नौजवान बच्चे हमारे जोशीले हैं सिर्फ उनको दिशा देने की जरूरत है संस्कार उनमें मौजूद है डीएनए उनका उत्तम है और अब तो ऐसा लग रहा है नई पीढ़ी ने अब इसकी बागडोर संभाल ली है और विजय श्री हमको जरूर मिलेगी आज हमारे पुरखे भी ऊपर से देख रहे होंगे कि हमारी आने वाली नस्लें हमको भूली नहीं है हमको आज भी याद कर रही है हमारे बलिदान को तो उनको उनका सीना चौड़ा हो जाता हो आप सबको फिर से रिजांगला सौर्य दिवस वीरता पर्व की बधाई देता हूं और आशा करता हूं ये जो मसाल जली है ये अब कभी बुझेगी नहीं रेजांगला जोत की जय रेजांगला ज्योत की जय सूरवीरों में अति सूरवीर वीर वीरहीर वीर अर वीर रेजांगला पलटन की जय रेजिमेंट हक हमारा वीर भूमि अहिरवाल को नमन जय हिंद जय भारत जय अही रेजिमेंट